if you educate a woman, you educate a nation. Yes. Exactly. क्योंकि आप एक एक जीवन में किसी को लाते हो, उसको एजुकेट करते हो, आपकी वजह से ये पूरा, हमारी वजह से ये पूरा जहां चल रहा है, राइट? तो अगर हम एक हम हमारे लिए बीइंग इंडिविजुअल, हमारे लिए आज की डेट में जितना जरूरी एक घर में रहना, जितना हमारे को घर में मिलती है इज्जत, उतनी ही हमें आज की डेट में बाहर की इज्जत मिलती है। हम एक एड ऑन एक लाइवलीहुड जनरेट कर रहे हैं, राइट? हम इक्वली, मेरे हिसाब से तो हम इक्वली अपने घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? तो एक अपनी एक इंडिविजुअल हैप्पीनेस जो रहती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर मेरा सबसे बड़ा मोटो यहाँ आने का यही है कि हम सबको थोड़ा अपना माइंड सेट को चेंज करना है, राइट? हमने आज ये ट्रेनिंग ली है, मैं इतने जॉब फेयर्स करवा चुकी हूँ, इतने इंस्टीट्यूट जा चुकी हूँ, बट मैंने एक चीज़ जो देखी है जो मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक औरत जब भी ट्रेनिंग लेती है, सिर्फ वो ट्रेनिंग लेके घर में ही बैठ जाती है। वो आगे एम नहीं करती कि मेरे घर वाले मना करेंगे। जब तक आप कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ोगे, आपको दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। हम सबका माइंडसेट चेंज होना जरूरी है। जब तक आप नहीं चाहोगे कि मेरे को काम करना है, मेरे को ये करना है, आपको एक अपना करियर स्कोप भी बनाना चाहिए। जैसे आप अपने घर वालों के लिए सोचते हो, अपने लिए सोचना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? तो बेसिकली आपका जो यहाँ इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, व्हाट आर वी हियर, व्हाट आर वी डूइंग। Beauty Wellness Sector Skill Council is bridging a gap between an employer and an trainer. So, academic और employer के बीच में जो gap है, हम उसको bridge कर रहे हैं। We are a pool की तरह। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? जितने सारे academia हैं, जैसे कि institutes हो गए, schools हो गए, colleges हो गए, जहाँ जहाँ ये courses चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयर से मिलवाते हैं और उन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर्मल सर्टिफिकेशन इज ऑब्वियसली स्किल इंडिया का सबसे मेन मोटो ही है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाना। क्या ये स्किल इंडिया क्यों आया है, व्हाई सो मच प्रेफरेंस टू स्किल इंडिया, व्हाई स्किलिंग इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज यू विल बिलीव मी गाइस, एमबीए करके भी लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, बिकॉज दे डोंट हैव एनी टैलेंट। आज की डेट में एक मेरी आंटी बाहर रहती है, यूएस रहती है, न्यू जर्सी रहती है, उनका अपना सलोन है। वो मुझे कहती है तू थ्रेडिंग का कोर्स करके वहाँ आ जा। थ्रेडिंग हमारे यहाँ कितना है, कुछ भी नहीं, मतलब मात्र 10-20 रुपये में थ्रेडिंग हो जाती है, बट उसी चीज़ का स्कोप बाहर की कंट्री $80, मतलब आप समझ रहे हो कि कितनी अहमियत है वहाँ एक स्किल फोर्स। और आप लोगों को ये जान के भी ताज्जुब होगा कि हमारा देश स्पेसिफिकली मैक्सिमम यूथ यहाँ रह रहा है, मतलब इन द ब्रैकेट ऑफ 25-40 एज 2022 तक सबसे ज़्यादा यंग यूथ हमारे ही कंट्री में है। तो हमारे यहाँ से हायरिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। बाहर की कंट्री में जो एज गैप है, ये एक जो हम पॉपुलेशन का ये कहते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट इस चीज़ का एक फ़ायदा भी है क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम यंग लोग, बाहर की कंट्रीज में सब ओल्ड एज हो चुके हैं, 40-45, 50-55 के ब्रैकेट में। तो मैक्सिमम इसीलिए स्किल इंडिया इन फोर्स आया, भी प्रधानमंत्री जी का जो ये इसको इन्फोर्स लाने का सबसे बड़ा मोटो ये था, क्योंकि हमारी जितनी सारी पॉपुलेशन है उसको यूजफुल रिसोर्स बनाया जाए। ऑलराइट, उसको यूजफुल रिसोर्स बनाया जाए। तो लेट्स मूव अहेड। और ये जो आप देख रहे हो ये लाइव फोटोज हैं, ये जॉब फेयर हम लोगों ने अभी किया था केशव स्किल्स में दिल्ली का, ये वहाँ का जॉब फेयर है। ये मैम इंटरव्यू ले रही हैं, ये एक्चुअली रियल फोटोज हैं, ये ऐसा ही चलता है हमारा सिस्टम, दिस इज हाउ वी वर्क। ऑलराइट, और ये जितनी सारी गर्ल्स दिख रही हैं आपको, ये सारी इंडिया स्किल्स में तैयार करी गई थी, डेमोन्स्ट्रेशन पे हुआ था, देवर मॉडल्स थे। ओके,
काम करता है. वी हैव ब्यूटी एंड सैलॉन्स, स्लिमिंग, योगा. इस प्रोफेशन में आके, इस सेक्टर में आके आप कहाँ कहाँ, आपके पास क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ आप किस किस चीजों में जा सकते हैं. ब्यूटी एंड वेलनेस में तो आपको पता ही है, सैलॉन्स भी आ गए, राइट. फिटनेस, फिटनेस एक है, स्लिमिंग, योगा, रिजुवेनेशन. आपने सुना होगा बोटॉक्स कराना, ये सब चीजें, ये सब भी एक ब्यूटी का ही एक पार्ट है, राइट. प्रोडक्ट्स, कंसल्टेशन, सेल्स. बिग बाजार में आपने देखा होगा रिटेल, रिटेल आउटलेट्स होते हैं जिसमें कॉस्मेटिक के लिए लड़कियां हायर करी जाती हैं. वो क्या है, वो भी ब्यूटी इंडस्ट्री है, राइट. ठीक है, ऑल्टरनेट थेरेपी, ऑब्वियसली स्पा थेरेपी, मसाज, ऑल दिस. आज की डेट में स्पाज आर रूटिंग अप लाइक मशरूम्स, बिलीव मी. इतना ज्यादा स्कोप हो गया है स्पाज का, एंड बिलीव मी, गुड स्पाज आर रियली नाइस. लोकल स्पाज आई कैन स्टिल डाउट, बट अगर ब्रांडेड स्पाज है ना, आर रियली नाइस. यू कैन अर्न लाइक एनी 50 to 60,000 यू कैन अर्न इजीली. क्या हुआ आपको? ये लो चॉकलेट, लो ये लो. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हमारे जो जॉब रोल्स हैं, आपने पेडिक्योरिस्ट, मैनिक्योरिस्ट किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, स्पा थेरेपिस्ट, नेल टेक्नीशियन, हेयर स्टाइलिस्ट, मैनिक्योरिस्ट, पेडिक्योरिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट. सो वी हैव एबीटी बीटी, दैट इज असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट ऑल्सो एंड ब्यूटी थेरेपिस्ट ऑल्सो. सो इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, ऑब्वियसली असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट विल ओनली हेल्प द मेन ब्यूटी थेरेपिस्ट, राइट. तो जो सपोर्ट चाहिए होता है स्किन फेशियल्स में, आपके प्रोडक्ट्स लाने में और उसको प्रेजेंट करने में, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट वो काम करता है, ब्यूटी थेरेपिस्ट एक्चुअल काम करता है, राइट. बट यस, ऑब्वियसली देयर इज अ स्कोप, यू स्टार्ट विद दिस एंड यू कीप ग्रोइंग योरसेल्फ, राइट. अच्छा, बेसिकली इस इंडस्ट्री में आपको क्या स्कोप, कहां तक आप जा सकते हैं. ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी नहीं रुकेगी. एवरीबॉडी वांट्स टू लुक गुड, बी इट अ मेल, बी इट अ फीमेल, राइट. एवरीबॉडी इज नाउ नॉट ओनली वांट टू लुक गुड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट दे वांट टू एवरी डे लुक गुड, राइट. तो अब बेसिकली हम लोगों का क्या है, कोई भी इंडस्ट्री हो हर जगह क्राइसिस आएंगे, बट ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो हमेशा बढ़ती ही जाएगी. तो ये सबसे बूमिंग इंडस्ट्री है. आप लोगों ने इस इंडस्ट्री में आके बहुत अच्छा काम किया है, राइट. तो ब्यूटी, हेल्थ, वेलनेस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. इवन व्हेन द एंटायर वर्ल्ड वाज गोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस, दिस वाज बूमिंग, स्टिल बूमिंग, ऑलराइट. सो नाउ पीपल आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स, राइट. एंड ऑब्वियसली एवरीबॉडी सीक्स फॉर एक्सपर्ट्स. आप एक बार बताओ, ब्राइडल मैंने भी कराया है, आई स्पेंड 52,000 एक सिर्फ एक अपने मेकअप पे, तो मतलब नहीं आता दिमाग में. एवरीबॉडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, राइट. अच्छा, सो क्या सोचते हो आप कि इसके आगे क्या करना है, क्या आप लोग दिशा क्या देख रही है अपने आगे जाने, कुछ तो बताइए. व्हाट यू एम एट, क्या आप जॉब देख रहे हो, क्या आप, आपने ये कोर्स क्यों किया बेसिकली, क्या दिमाग में आया था यार, प्लीज बी ओपन. देखो यहाँ कोई टीचिंग और बहुत ही क्लास नहीं चल रही है, आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद यू, वी आर हेयर जस्ट टू शेयर आर थॉट्स, राइट. तो हाँ जी, हाँ मैम, ये जॉब के लिए भी हमारे लिए एक सुनहरा ऑफर भी है, और जैसे जैसे हमारे कस्टमर आते हैं जो भी है, जैसे हमें एक हुनर तो मिल ही रहा है, हुनर के साथ साथ पैसा कमाने के लिए आमदनी का जरिया होगा. अच्छा, और यही कोर्स क्यों किया है? पहले तो लोग पेडिक्योरिस्ट मैनिक्योरिस्ट से बनने में तो बहुत कतराते थे, लोग नहीं चाहते थे इस लाइन में जाना, बहुत सी ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जो लोग कहते थे कि नहीं नहीं हम पार्लर काम करेंगे, या फिर ऐसे ऐसे आप लोगों ने भी सुना होगा, राइट. पर आप बीइंग अ वुमन, हाउ आर यू फीलिंग दैट दिस यू हैव ऑप्टेड दिस एज योर करियर, क्यों सोचा है आपने इसको करियर बनाने के लिए? मैम, आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लेडीज को अपने को मेंटेन करने की,
कि अगर हम वेल मेंटेन हैं तो हम अपने साथ साथ अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को लेके चल सकते हैं। अगर एक सोसाइटी में अपनी प्रेजेंटेशन बेटर होगी तो हम औरों को अपनी तरफ इंटैक्ट जल्दी कर सकते हैं। और क्या वजह हो सकती है? आप इसके साथ साथ एज वी आर वुमेन और हम घर से इतने उलझे हुए होते हैं, घर में इतना काम होता है कि हम बाहर जाने का कभी सोचते नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम अपने आप को खुद कर सकें। तो जब हम खुद अपने आप को मेंटेन करेंगे तो अगर हम दूसरों को भी करें और चार पैसे हम कमा के अपना घर अच्छे से चला पाए तो क्या होगा। एब्सोल्युटली, तो हम लोग अपना लाइवलीहुड और हम स्पेसिफिकली, मैं तो ये समझती हूँ अगर मैं जो काम कर रही हूँ ये मेरे को इंटरेस्ट से, मैं इंटरेस्ट से कर रही हूँ, कुछ चीज़ जो आपने शुरू से बचपन से सोची होती है कि मैं ये करूँगी या मुझे अपना ये करने का शौक है, आप अपने जब शौक को अपना करियर बनाते हैं तो उसका निखार कुछ अलग ही होता है, राइट? प्लीज बैठिए। तो बेसिकली मैं ब्यूटी वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल से प्रेजेंट कर रही हूँ आप लोगों को आज। मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं पहले एचआर थी, मैंने एमबीए किया है एचआर ह्यूमन रिसोर्स में, जहाँ लोगों की हायरिंग करना ये मेरा पहले काम था। अब मैं इवेंट्स एंड कम्युनिकेशंस में, मेरी बहुत ट्रैवलिंग है, मैं बहुत जगह घूमती हूँ, पैन इंडिया कहीं भी जाती हूँ, बहुत छोटे छोटे एरियाज में भी जाती हूँ, बट दैट्स हाउ आई लाइक डूइंग इट, राइट? जो आपको जैसा काम पसंद है आपको वो चीज़ को परस्यू करना चाहिए, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली, क्योंकि आप सलोन इंडस्ट्री से हैं, आई एम श्योर आपके टीचर्स, आपके ट्रेनर्स ने बहुत अच्छे से आपको बताया होगा कि आपको व्हाट यू शुड एम एट, बट यही मैं एक छोटा सा आपको आपकी करियर को पे और लेती जाऊँगी, ठीक है? तो बेसिकली हमारा एक ऐसा सेक्टर है ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल, स्पेसिफिकली बनाया गया है जितने सारे प्रोफेशनल्स इस इंडस्ट्री में हैं, बी अ ट्रेनर, बी एन इंडिविजुअल, बी अ मेकअप आर्टिस्ट, ये सबको एक नीड टू नो, राइट? आपको डेफिनेटली मैम ने बहुत अच्छे से आपको ट्रेनिंग दी होगी, बट सिंस आई हैव कम हियर आई विल लेट यू नो थोड़ा मोड़ा हम लोग बेसिक एटिकेट्स रहने चाहिए व्हेन यू ओपन अप योर सैलून, व्हेन यू वर्क इन अ सैलून, और व्हेन यू वांट टू यू नो स्टार्ट योर ओन सर्विस। सो ये आपके बेसिक रूल्स होने चाहिए वेयर एवर यू गो, व्हेन, और ये सब चीज़ें आज की डेट में, इट्स नॉट अबाउट ओनली कटिंग हेयर, इट्स अबाउट हाउ यू गेट इन टच विद योर क्लाइंट, राइट? आप एक इंसान को कितना खुश करके भेज सकते हो या कि आपका इम्प्रेशन ऐसा बैठे कि वो नेक्स्ट टाइम आपको याद करता हुआ आ जाए, ये चीज आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। आजकल क्या है, लड़कियां ज्यादातर जॉब करती हैं तो बच्चों में भी ना कंपटीशन हो चुका है, और बच्चों को जब उनकी मदर सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह जाती है ना तो बहुत कॉम्प्लेक्शन सा होने लगता है, उनको बहुत अपने आप को भी डाउन फील करने लग जाते हैं, ठीक है ना? तो जब उनकी मदर्स उनको ये दिखाती कि बेटा अगर हम हाउसवाइफ भी हैं तो हम डबल वर्किंग है, हम सिर्फ अर्न नहीं कर रहे, हम सेविंग कर रहे हैं, तो अगर हम उसके साथ सेविंग करने के साथ साथ कुछ अर्न भी कर रहे हैं, इट मीन्स हम डबल कमाई कर रहे हैं, तो हम उन हाउस जो वर्किंग लेडीज है उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल से हम अचीव कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने घर की सेविंग तो कर ही रहे हैं, बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं, प्लस हम अपना कुछ टाइम लगा के उनको अर्न करके उनको उस अर्न का बेनिफिट दिखाते, तो हमारे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, उनको मेरे ख्याल से एक आइडियल्स मदर मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से मैं एक आइडियल्स मदर हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए वो चीज़ कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने PMKY का सुना तो मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ा सा ब्यूटी में और ज़्यादा कर लूँगी तो आई थिंक मैं और अच्छा उनको रिस्पॉन्स दे सकती हूँ अपनी तरफ से, और उनके सामने भी एक गोल रख सकती हूँ, और शायद मेरे वजह से मेरी बेटी का एक कैरियर मैं उसके लिए भी बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को इन चीज़ों का बहुत शौक है, वो बहुत जल्दी कैच करती है। तो अगर मैं आज की डेट में अपना पार्लर, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा वंदीपुन के नाम से ब्यूटी हट खुल रहा है, तो जल्दी मैं हम इंदिरा पार्क में खोल रहे हैं अपना, इंदिरा पार्क ये पार्लर नहीं कैलाश के पास, ठीक है? तो मेरे घर पास जी।
देख लेना कहीं कैंडल तो नहीं उठा रहा है।